हेलो दोस्तों, भारतीय गार्डन में आपका स्वागत है। और जैसा कि देख सकते हैं, ये कटीला फिर से करसुला। बना लीजिए। हेलो दोस्तों, भारतीय गार्डन में आप लोग के स्वागत है। और देखिए, देख सकते हैं कि ये करसुला कैप्टीला है। और देख सकते हैं कि हम इसको लगाने जा रहे हैं माटी में। कटिंग है इसका, करसुला कैप्टीला का। और इसमें बालू भी मिला रहे हैं हम, ये मिट्टी में बालू और मिट्टी एक साथ ही मिला के इसको हम ग्रो करने जा रहे हैं। दोस्तों देखिए, देख सकते हैं कि इसको हम इसमें ग्रो करने जा रहे हैं। दोस्तों ये बहुत सुंदर जब लग जाएगा दोस्तों, तो ये पूरा गमला भर जाएगा। अब बहुत सुंदर लगता है। और गर्मी के दिन में ये ग्रीन हो जाता है, और ठंडी में ऐसा येल्लो ऑरेंज टाइप पर हो जाता है इसका। दोस्तों इसका पंखुड़ी भी होता है, ये देख सकते हैं, ये पंखुड़ी है इसी का। इसको भी पंखुड़ी से भी ग्रो हो जाता है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं कि इससे भी पंखुड़ी से भी हम ग्रो कर दे रहे हैं। ये ग्रो हो जाएगा तो आप लोग के दिखाएंगे दोस्तों। देख सकते हैं इसका पंखुड़ी से भी ग्रो होता है दोस्तों। और दोस्तों इसमें पानी बहुत कम लेता है, इसका पता ही में पानी स्टोर कर लेता है अपना। इसका पत्ता के अंदर बहुत ही पानी स्टोर करके रखता है, इसलिए इसमें पानी बहुत कम मात्रा में डलाता है। पूरा मिट्टी सूख जाता है तब दोस्तों पानी डलाता है। ज़्यादा पानी डालने से ये मर जाता है, इसलिए पानी ज़्यादा नहीं डालना चाहिए इसको। पानी पूरा देखिए कि मिट्टी सूख गया है पूरा, अंदर तक 1 इंच अंदर तक मिट्टी सूख जाता है, उसके बाद ही पानी इसमें डलाता है। ये देख सकते हैं कितना गदीदार इसका पंखुड़ी है, इसमें बहुत सारा पानी स्टोर कर लेता है अपना। और धूप और छाँव में, धूप छाँव वाला जगह पर रहता है, डायरेक्ट ज़्यादा धूप में नहीं रहता है ये ज़्यादा धूप पसंद नहीं करता है। पूरा दिन के धूप नहीं पसंद करता है, थोड़ा सा सुबह के 1 घंटा 2 घंटा के धूप में रहता है ये दोस्तों। और देख सकते हैं ये बहुत सुंदर लगता है, और उभर जाएगा और पूरा ग्रो कर जाएगा तो हम फिर से वीडियो इसको दिखाएंगे दोस्तों। और प्लांट है ये, इसका नाम है लैवेंडर स्कैलप। और देख सकते हैं कि इसका पंखुड़ी किनारे किनारे कटिंगदार है, और इसका भी कटिंग हम लगाने जा रहे हैं दोस्तों। देखिए एक कटिंग है बगल में, मेरा एक मैडम रहती है, वही दी है हमको आज लगाने के लिए। तो ये लगा रहे हैं, आप लोग को लगा के दिखाते हैं दोस्तों। इसमें भी मिट्टी और जिससे बिल्डिंग बनता है बालू से, वही बालू है, मिट्टी या बालू इसमें ज़्यादा डायरेक्ट मिट्टी में नहीं रहता है दोस्तों। इसमें मिट्टी और बालू दोनों मिला के लगाया जाता है। डायरेक्ट मिट्टी में लगाइए तो नहीं लगेगा दोस्तों, इसलिए इसमें हम मिट्टी और बालू दोनों मिक्स करके लगा रहे हैं दोस्तों। देखिए और देख सकते हैं इसको भी हम लगा रहे हैं दोनों एक साथ है, दोनों प्लांट को एक साथ हम लगाएँ। देखिए दोस्तों ये अगर लग जाएगा तो इसका भी हम आपको वीडियो शेयर करेंगे, फिर से लगने के बाद दिखाएंगे। और इसका पत्ती भी लगा दे रहे हैं, पत्ती से भी ग्रो हो जाएगा, निकल जाएगा प्लांट इसमें। देखिए दोस्तों इसका पत्ती भी लगा दे रहे हैं, इसका पत्ती से भी इसका गाँछ निकल जाएगा दोस्तों, नया पत्ता से भी ग्रो कर जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों लगा दिए, देख सकते हैं कि लगा दिए कितना छोटा छोटा है। अब लगा के दिखाएंगे, ग्रो हो जाता है तो फिर आपसे मिलते हैं, दिखाते हैं। तब तक के लिए आप लोग दोस्तों लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों। और आप ही लोग के शेयर करने पर मेरा वीडियो आगे भागेगा। दिखाइए दोस्तों, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों।